नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। जय होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश। आज आपको मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों ऑनलाइन प्लांट कुछ मंगाए थे माँ दुर्गा नर्सरी वेस्ट बंगाल से, और किसी कारणवश उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। दोस्तों आज इसमें ये बताऊँगा कि आप अगर कोई इस तरह के ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं और उस तरह से उसमें पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और बेहद बुरी कंडीशन हो जाती है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट आप उसको दे सकते हैं और किस विधि से उनको बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारी चीज़ बता दूंगा। और आप भी, मैं दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता कि सारे प्लांट आपके बच जाएंगे, लेकिन 70 से 80% प्लांट आपके बचने की संभावना प्रबल रहेगी, जो मैं टेक्निक और बता रहा हूँ, क्योंकि इस टेक्निक से मैंने पौधे पहले भी बहुत बचाया है। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नींबू के प्लांट से, देखिए ये दोस्तों नींबू का प्लांट है। अब इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी जो टहनियाँ थी वो सूख गई थी, उसमें फंगस लग गया था। जी हाँ दोस्तों, तो फंगस लग गया था। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पॉट लिया और इसमें मैंने जो सॉइल है वो बता रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट करीब 20% और रिवर सैंड बालू, मिट्टी नॉर्मल 50% और फंगिसाइड, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का कोई भी फंगिसाइड किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी का फंगिसाइड मिट्टी में मिला लें दोस्तों। उसके बाद आपको करना ये है कि 2 ग्राम 1 लीटर में फंगिसाइड, कोई भी फंगिसाइड घोल कर इसके ऊपर छिड़काव कर दें। मैंने छिड़काव किया था 2 लीटर। दोस्तों जो पौधा आप देख रहे हैं ये सेब का पौधा है, देखिए मैंने सीधा कर दिया है इसको, और इस सेब के पौधे में मैंने एक छड़ी लगा के इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगिसाइड का आप प्रयोग करेंगे तो फंगस जो लगी थी, जो पैकेज होकर आता है, उस पैकेज में के द्वारा फंगस लग जाती है। तो पहले, सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था, कोई भी फंगिसाइड आप इस तरह का फंगिसाइड का प्रयोग करें, मिट्टी में भी कर दें और बाहर से भी कर दें। ये देखिए, मैं वीडियो में जो मेरा लास्ट वीडियो था जो माँ दुर्गा नर्सरी से मैंने पौधे मंगाए थे, उसका जो वीडियो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से देख लीजिए। कितनी बुरी कंडीशन थी दोस्तों पौधों की कि मुझे खुद ही देख के रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता और लास्ट तक ये जान से लगा रहता हूँ कि पौधे ऐसे हैं जो मुझे पता है, और ये ट्रीटमेंट देता हूँ और पौधे बच जाते हैं। और अभी इसके पीछे देखिए कि वाटर एप्पल का प्लांट है, इसमें भी ऐसे ही दोस्तों करना है। आपको मिट्टी जो बनानी है थोड़ी भुरभुरी बनानी है, बालू, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, और आप इसमें रिवर सैंड, कोकोपीट कुछ भी मिला के इसे नॉर्मल मिट्टी तैयार करते हैं गमले की, ऐसे ही तैयार कीजिए और इन प्लांट्स को लगा दीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा आप लोग को, देखिए ये इस तरह का जो एरिया है, इसके धूप नहीं लगनी चाहिए आपको प्लांट में दोस्तों, धूप नहीं लगनी चाहिए आपके प्लांट में दोस्तों, धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो ये पौधे बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आप इनको डार्क रूम में भी 2-4 दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इनकी जड़ें विकसित ना हो जाएं। दोस्तों इसकी जड़ों के विकास के लिए मैंने कुछ जो ट्रीटमेंट होता है दिया है, ये देखिए दोस्तों, रूटेक्स हार्मोन का मैंने प्रयोग किया है। सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो में, कुछ भी नहीं छुपाना है, क्योंकि अगर मैं छुपाऊँगा तो आप भी पौधे को ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत कॉस्टली नहीं आता है दोस्तों, 30-40 रुपये का आता है। रूटेक्स हार्मोन नंबर 3 का प्रयोग करना है दोस्तों, इसको 2 ग्राम 1 से 2 लीटर पानी में घोल लीजिए आप, और स्प्रे की बोतल ले लीजिए, स्प्रे करने वाली जो बोतल होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्प्रे करने वाली बोतल में भर लीजिए, ऐसे पूरी चीज़ बताऊँगा बिल्कुल विस्तार से, और भर लीजिए और इसको स्प्रे करते रहिए।
आप पूरे प्लांट को ऊपर से नीचे तक फिर मिट्टी में भी स्प्रे कर दीजिए। मिट्टी में स्प्रे करेंगे तो ये रूटेक्स हार्मोन है, ये मिट्टी की जड़ इसके पौधे की जड़ों में चला जाएगा और उसकी उसको नई ताकत देगा, जिससे कि ये जड़ों का विकास होगा और इसमें नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, मैंने रूटेक्स हार्मोन का प्रयोग किया था और देखिए, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हरमन 99 में देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं। ये 3 दिन का रिजल्ट है, जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिन का रिज़ल्ट, ये देखिए बहुत ही क्लोजअप में दिखा। तो मैं जो पौधा दिखा रहा हूँ ये कॉटिमॉन मैंगो का है, इसमें मैंने कुछ अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया है, ये देखिए। अब बचेगा या पौधा नहीं बचेगा ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रकृति है, किसको बचाना है किसको रखना है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। देखिए ये पौधा अभी खुला हुआ है, इसमें मैंने ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया है, और चक्कर यह है कि इसमें दोस्तों देखिए कि इसमें अभी ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया है, उसको मैंने 3-4 दिन तक ऐसे खुला रखा, लेकिन खुला का मतलब ये नहीं कि धूप में रख दी, इसको डार्क रूप में रखा था अंधेरे कमरे में से, आज इसको ले कर थोड़ा आया हूँ कुछ हल्की रोशनी में। और इसको भी देखिए मैंने इस तरह की पन्नी में ये कवर किया, इसको भी ऐसे ही कवर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बनाना मैंगो का प्लांट है, पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं, ये कह सकते हैं 75% मर चुका है ये पौधा। जी हाँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे पौधे बहुत, मुझसे कई बार पहले गलतियाँ हुई स्टार्टिंग में, लेकिन क्या है ना कि सीखते सीखते सीख जाता है आदमी। मैं अब इस तरह के पौधों को 75% मरे हुए पौधों को आसानी से बचा लेता हूँ। अभी मैंने दिखाया है कि हरमन 99 में देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं। तो इसमें दोस्तों करना यह है कि अभी मैंने दिखाया ये रूटेक्स हार्मोन, इसका आप 2 ग्राम पानी में घोल लीजिए ऊपर से नीचे तक इसकी मिट्टी में, ये देखिए मिट्टी में रूटेक्स हार्मोन नंबर 3 का छिड़काव कर दीजिए 2 ग्राम, ये आपको 1 हफ्ते में 1 ही बार अभी करना है फ़िलहाल तो। और इसका जो ये एरिया है दोस्तों, ऊपर का एरिया जो जहाँ से ग्राफ्टेड, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ग्राफ्टेड एरिया है, ये ग्राफ्टेड एरिया से लेकर अगर कोशिश करें कि ये पूरा एरिया, जैसे मैंने ये देखिए पॉलीथीन लगा के कवर्ड कर दिया है, ऐसे ही कवर्ड कर दें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राफ्टेड एरिया है, यहाँ से लेकर ऊपर तक कवर्ड कर दें। देखिए जैसे मैंने इसमें कवर्ड कर रखा है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पानी अगर इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो गया है तो पानी आपको देना है, वैसे ख़त्म नहीं होगा मॉइस्चर, क्योंकि एक बार आप पानी देंगे कि धूप में आप रख नहीं रहे हो तो मॉइस्चर नहीं ख़त्म होगा। ये बताइए फंगिसाइड का प्रयोग करना है, रूटेक्स हार्मोन का घोल बना के डाल देना है, मिट्टी में भी फंगिसाइड का प्रयोग करना है, नहीं तो जो जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, एक बार दे दिया पानी, अगर नमी है तो पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 2-4 दिन में पौधा सूख जाएगा तो स्टार्टिंग में ही पौधे की ख़राब कंडीशन देखते हुए तो उसको डार्क रूम में रख दीजिए, थोड़ा अंधेरे कमरे में रख दीजिए, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद उसको फिर उजाले में लाइए। लाइट में डायरेक्ट सन लाइट देना बहुत ही ख़तरनाक है, पौधे मर जाते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ। जब तक इसमें न्यू लीफ नहीं आती आप इसको सन लाइट में बिल्कुल ना रखें, नहीं ये पौधे जो 75% मर चुके हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं इन्हें पूरी कोशिश करता हूँ बचाने की लास्ट दम तक, जैसे एक डॉक्टर एक मरीज़ को बचाने की कोशिश करता है उसी तरह मैं अपने पौधों को बचाने के लिए जी जान लगाता हूँ और बचा लेता हूँ। मैंने बहुत सारे पौधे ऐसे बचाए हैं जो मर रहे होते हैं और बचा लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो था मरते हुए पौधे को बचाने के ऊपर था, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि होम गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो समय समय पर आप सभी लोगों को दिखाता रहूं। दोस्तों इसकी अपडेट जो है मैं समय समय पर सभी दर्शकों को देता रहूँगा, और वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करूँगा। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।